की आकृति 6.13 में, ये आपके बुक में ऐसा लिखा इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी ये आकृति यही है। अब क्या कह रहा, ध्यान से सुनना। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मीन्स होता है इंटरसेप्ट करती हैं, यानी काटती हैं। रेखाएं कौन कौन, ए बी एंड सी डी। तो बच्चा देखो, ये रेखा है ए बी और ये क्या है सी डी। ये बिंदु कहाँ पर काटती हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि इंटरसेप्ट करती हैं ओ पर। आगे क्या कहता है, कह रहा कि यदि ए ओ सी, ए ओ सी मीन्स ए ओ सी यानी ये कोण, ध्यान देना ए ओ सी इतने कोण की बात हो रही, और धन बी ओ ई, बी ओ ई ध्यान से सुनो, बी ओ ई यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण दोनों जुड़ के कितना है 70 है। कह रहा है इसमें इतना ही नहीं और भी कह रहा है, यदि बी ओ डी बराबर 40, तो बच्चा बी ओ डी का मतलब बी ओ डी यानी ये कोण कितना है 40, इतना दिया है। तो कह रहा है कि बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो बी ओ ई कहाँ है, ये बी ओ ई इसको पूछ रहा है। आप कहोगे ये तो ऊपर दिया है, ये दिया नहीं है, ऊपर कह रहा है इन दोनों के योग करने पे 70 आता है, तो इसको निकालो उसमें से कितना है, ये पूछ रहा है। बाकी ए ओ सी कहीं नहीं पूछ रहा है, इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है सी ओ ई। तो बच्चा सी ओ ई यानी ये कोण, ये कोण नहीं पूछ रहा, इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री बताया था, पीछे का वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, जहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चा, ठीक है। तो पहले उसको निकालोगे तब प्रतिवर्ती कर पाओगे ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जान लो, अगर आपको कहा जाए किसी भी संख्या का मतलब विलोम ज्ञात करना, उल्टा ज्ञात करना, तो पहले आप उस संख्या जानोगे तब विलोम करोगे ना। तो वैसे क्या करना है, इसका प्रतिवर्ती करना है, पहले आप इस कोण को निकालोगे तब इसका प्रतिवर्ती करोगे, है ना। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको हल करते हैं। देखो बच्चा, इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, दो रेखाएँ हैं, एक ए बी है एक सी डी है, मुख्य रेखा दो है ना। तो लिखो यहाँ पे हल, लिखो लिखो रेखा ए बी पर, ध्यान से देखो, लिखो रेखा ए बी पर। रेखा ए बी पर अगर आप ध्यान दो तो आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें दिखेंगी, वो कैसे हैं क्या हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान देना अच्छे से समझना। जैसे देखो रेखा ए बी पे क्या है, ध्यान दो, ए ओ सी, हाँ बन रहा है ना भाई, ए बी पे ये बन रहा है ना, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तीन कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं ना। यानी हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस ये कोण हो गया ए ओ सी, और इसमें एक कोण बन रहा है बी ओ ई, भाई बी ओ ई ये भी तो इसी रेखा के ऊपर है बन रहा है ना। यानी ये जो ए बी है इसके ऊपर देखो तीन कोण है कि नहीं, भाई एक कोण ये है, एक ये है, एक है, तीनों जोड़ लो बी ओ ई, ये तो वैसे भी दिया था, लेकिन इसमें एक और है, कौन है, सी ओ ई, लिखो धन सी ओ ई, ये बराबर 180 अंश। आप कहोगे 180 अंश कैसे आएगा, मैंने आपको रैखिक युग्म पढ़ाया है कि एक ही रेखा पर बने हुए जो कोण होते हैं वो रैखिक युग्म बनाते हैं, तो जब रैखिक युग्म बनाते हैं तो मतलब वो उनका मान 180 अंश होता है, ये आप जानते हो, ये जानते हो। चलो मामला हल हो गया भैया, ये देखो मान दिया है ना, यानी हमें इतने का मान कितना दिया है, 70 दिया है, 70 रख दो। कोण सी ओ ई इक्वल 180, यहाँ से निकालोगे एंगल सी ओ ई बराबर, तो 180 माइनस 70 यानी आपको आएगा कोण सी ओ ई बराबर 110 अंश। कितना आएगा बच्चा, 110 यानी 110 डिग्री, इसे आप लिख सकते हो 110 डिग्री। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता और ये नहीं पता, हाँ चलो इतना बात पक्की हो गई, इसको नोट कर लो। इसमें पूछा क्या क्या था वो भी ध्यान देना, और वो चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझो ईमानदारी से। इतना हो गया, अब अगले आगे देखो। जो बच्चे नहीं लिखे वीडियो पीछे करके देख लें, मैं आगे से हट गया हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप इनको उतार लो। हो गया इतना, हो गया, चलो नहीं देखा तो वीडियो थोड़ा पीछे करो और उतार लो। यहाँ पर दो रेखाएँ थी, एक पर मैंने सारा मामला हल कर दिया, अब दूसरे पे करेंगे। हाँ लेकिन उसके पहले हमें कौन सा कोण मिला है, सी ओ ई मिला है ना, तो हमें सी ओ ई प्रतिवर्ती निकालना था, प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो पहले हम इसका प्रतिवर्ती निकाल लेंगे, रेखा वाला बाद में करेंगे, अगला रुको।
भाई हमें दो चीज़ निकालना है, तो पहले हम ये प्रतिवर्ती निकाल लेंगे और फिर इसको बाद में निकालेंगे। लिखो प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब होता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बोलते हैं। हाँ प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स, जैसे सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री पढ़े थे तो मैं प्रतिवर्ती बताया था रिफ्लेक्स ना। बच्चा ये जान लो किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती निकालने के लिए आप ऐसे लिखोगे प्रतिवर्ती सी ओ ई बराबर, पता है आपको क्या करोगे, उस कोण का मान जितना है जैसे सी ओ ई का मान 110 अभी आया है उसको 360 से घटा दोगे तो इसका जो प्रतिवर्ती है वो 250 अंश आएगा, कितना आएगा 250 आएगा, आपका ये आंसर हो गया। याद रखना किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है उसको 360 से घटा दोगे उसका प्रतिवर्ती आ जाएगा, ये अपने दिमाग में रख लो। तो ये आपका पहला आंसर आ गया जो इसमें दो चीज़ पूछा था, ये भी कोण निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे अगली रेखा पर। चलो अब लिखो रेखा सी डी पर, रेखा सी डी पर लिखो बच्चा, जल्दी लिखो रेखा सी डी पर। अब मुझे ये बताओ रेखा सी डी पर क्या क्या बन रहा, जल्दी से सभी बच्चे मुझे क्लियर करके बताओ रेखा सी डी पर क्या क्या बन रहा। बच्चा देखो आप यहाँ पे ध्यान दो, तो रेखा सी डी पर क्या क्या बन रहा है, सी डी सी डी। अब इसके इधर देखो एक कोण ये बन रहा है 110 वाला, एक ये बन रहा जो बेचारा अकेला है इसका कोई आगे पीछे नहीं है, एक ये बन रहा 40 वाला बन रहे ना। तो भैया ये तीनों एक ही रेखा पे बन रहे हैं तो रेखी क्यों बना रहे ना, लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं, हाँ बना रहे ना। तो लिखो क्या क्या होगा, लिखो कोण सी ओ ई प्लस सी ओ ई, यानी ये कोण 110 वाला प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण बी ओ डी, कौन सा बच्चा बी ओ डी इक्वल 180, क्यों नीचे लिख लेना रैखिक युग्म, रैखिक युग्म ये रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए। अब आपको सारे मान दिए गए हैं सिर्फ बी ओ ई नहीं दिया गया है, इसका मान 110 रख लो एंगल बी ओ ई और प्लस इसका मान 40 है भैया, ये 40 दिया है इक्वल 180 कर लो, सबको जोड़ो घटाओ एंगल बी ओ ई करोगे आपको पता है 180 ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 40 भी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हम एक एक को भेजेंगे पहले 40 इधर ले आओ माइनस 40 माइनस 110। ये चीज़ तो आप कर ही लोगे, नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा बता दो बच्चा, देखो नीचे नहीं दिख रहा ना इसके आगे, बस केवल आपको घटा लेना है आप जान जाओगे कितना आएगा। मैं ऊपर बता देता हूँ अगर ऊपर दिख रहा है तो, थोड़ा सा जगह की कमी है ना इस वजह से, देखो बच्चा यही आ रहा ना, इसको जोड़ोगे माइनस माइनस जुड़ जाता है, 110 में जब 40 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा। तो बच्चा आप ये जान जाओ कि बी ओ ई इक्वल कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 ना, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा ना भैया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसका मान 30 अंश आ गया, कितना आ गया 30 अंश आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नो डाउट इक्वल 30 अंश, यानी हम कह सकते हैं ये कोण 30 अंश का है, ये कोण कितना है 40 का पहले से दिया था, ये 110 का आ गया, हमसे सिर्फ दो पूछा गया था, हमसे सिर्फ ये पूछा गया था 30 मैंने निकाल दिया, सी ई ओ का प्रतिवर्ती निकालना था, रिफ्लेक्ट निकालना था ना, रिफ्लेक्स क्या बोलते ना, तो रिफ्लेक्स भी मैंने निकाल दिया और रियल कोण का मान भी निकाल दिया, ये हो गए नोट कर लो। जो बच्चे नहीं लिख पाए वीडियो को पीछे करके लिखेंगे तो फिर से उनको मिल जाएगा जो भी चीज़ें इसमें से डिलीट हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ एक बात और बता दें बच्चा लोग, आप सभी ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों को पूरा क्लास करना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, ऊपर भी मैंने एक नंबर दे दिया है इस पर, क्वेश्चन नंबर आज सेकेंड आप देखोगे, अगर अपनी बुक में आप खोल लो एनसीईआरटी में तो आपको मिल जाएगा आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, रेखाएं एक्स वाई एंड यम एन ये बिंदु ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आगे सुनो क्या कहता है, यदि पी ओ वाई इक्वल 90 अंश, यानी ये जो है 90 अंश है, और ए अनुपात बी ये 2:3 दिया है, तो पूछ रहा है कि कोण सी बताओ, बच्चा क्या होगा भैया सी बताओ, सी मतलब कहाँ है ये कौन सी मुसीबत है सी, देखो एक एक हम करके निकालेंगे, पहले ध्यान से देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ए और बी का जो उभयनिष्ठ अनुपात है, या ऐसे लिख लो लेट्स कॉमन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज एक्स, इतना हो गया। अब ये अगर हो जाएगा तो ये आप जानते हो कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू एक्स होगा
टू एक्स नहीं यार, 2:3 है भैया। क्या होगा? 2:3 होगा, देखो ये बुक में दिया है। हाँ, तो यहाँ से आप सभी समझ सकते हो क्या क्या हो जाएगा। ए जो है वो 2x हो जाएगा कॉमन अनुपात लगा के, और बी का मान क्या हो जाएगा 3x। इतना आपको समझ में आ रहा है, इसको आप नोट करते चलो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका पहला पेज हो गया, इतना हो गया। देखो नीचे दो लाइन अभी मैं लिख सकता हूँ, तो आप लिखोगे रेखा एक्स वाई पर, लिखो रेखा एक्स वाई पर। देखो बच्चा रेखा एक्स वाई पर क्या है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे फिगर में रेखा एक्स वाई पर, तो यहाँ पे तीन कोण बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं? एक तो ये बी बन रहा है, एक ए बन रहा है, एंड एक ये 90 वाला बन रहा है। तीन कोण बन रहा है ना भैया, ये बन रहा है एक, एक ये, एक ये, तीन बन रहा है। तो नीचे अगर आपको दिख रहा है कि नहीं बता दो, चूँकि मुझे शंका होती है कि नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो भैया यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोण बी और प्लस कोण ए एंड कोण 90 अंश बराबर 180 अंश। हमने एक लाइन स्टार्ट कर दिया है, हम चाहते तो इसको ऐसे लिखते, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस कोण ओ पी वाई या फिर पी ओ वाई, तो सबको जोड़ते 180 अंश होता, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, 180 क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। जब सभी कोण एक ही रेखा पर बने होते हैं तो क्या होते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, लीनियर पेयर जिन्हें बोलते हैं। लिख लो सभी बच्चे, ये क्या बना रहे हैं भैया, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, इस वजह से ऐसे हैं ये, मतलब आप इनको 180 लिख सकते हो। आगे देखो, इनको लिख लिए बच्चे, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, इनको मिटा के मैं ऊपर चलूँगा, ध्यान देना। जो बच्चे नहीं लिखे हैं इनको लिख लें, ध्यान दें और लिखें जल्दी से। चलिए देखो, मैंने 2-3 लाइनें ऊपर मिटाई हैं, आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करोगे तो आपको फिर से दिख जाएगा जो मिटाया गया है। अब देखो बी धन ए बराबर ये क्या है, 180 है ना, यहाँ से हम कोई मान निकालेंगे। क्या निकालोगे आपको पता है? देखो बी और ए का मान अभी अभी ऊपर मैंने लिखा था ना, बी का मान 3x, ए का मान 2x लिखा था ना बच्चा, तो बी का मान 3x, ए का मान 2x धन ये 90 और बराबर 180 अभी मैंने माना था ऊपर। वीडियो हल्का पीछे करो दिख जाएगा, ये जुड़ जाएगा 5x बराबर 90 हो जाएगा, इक्वल 180 हो जाएगा। यहाँ से आप 5x निकालोगे, आपको पता है 180 माइनस 90 होगा, x बराबर ये 90/5 होगा बराबर 18×5=90, x का मान 18 आएगा। इसको हल करना आपको आता है, बताना नहीं क्योंकि आप क्लास 10th में हो। अगर आपको ये भी नहीं आता है, 9th-10th में पहुँचे हो तब भी, तो आप बेसिक मैथ ज्वाइन करो, PVR स्टडी की 0 लेवल मैथ, ऊपर नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करो, फ़ोन करो, ठीक है। चलिए इतना कर लिए, x के मान आ गए, यानी x के मान आ गए तो हम मान निकाल लेंगे a और b के, हमारे मान क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है, इतना हो गया, तो अब मैं मिटा सकता हूँ। अब नीचे आप लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, आता ए और बी के मान अभी अभी मैंने लिखा था ना, ए बराबर 2x ना, ए बराबर 2x था, तो इसको आप बराबर करते चलो, तो 2×x का मान 18 बराबर 36, यानी ए का मान कितना आ गया बच्चा, 36 आ गया, ये 36 हो गया। नीचे लिखो बी बराबर 3x, ये था आपने देखा था, तो ये 3×18 हो जाएगा, इक्वल 54 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 54, ये आपका 54 डिग्री हो गया। इतना हो गया क्लियर, आप सभी लिखते चलो फटाफट, बताते चलो, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना। ये एक्स वाई पर हो गया, किस पे हो गया, एक्स वाई पर। अब हम क्या करेंगे, हाँ निकालना क्या था, सी निकालना था ना, सी यार इसमें दिया है बुक में, अगर आप ध्यान दो तो कोण सी कहाँ दिया है, ये एक्स वाई वाला भैया दिया, ये सी है बड़ा वाला, हाँ ये सी है, यही हमें निकालना है, ये सी निकालना है। यहाँ पे ओ कहीं लिख लो, यहाँ कहीं साइड में लिख लो, चूँकि जगह होनी चाहिए इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे ओ लिख लो, मतलब हमें ये कोण निकालना है। तो अब हम इस रेखा में लेंगे, इसमें देखो आप दो कोण बन रहे हैं ना, दो बन रहे हैं, कौन कौन बन रहे हैं बच्चा, एक तो 54 वाला बन रहा है और एक सी वाला बन रहा है ना। अब आप ऊपर और लिखो, इसको मिटा दो, जो बच्चे मिटाना चाहें, मतलब हो गया, चलो ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, नहीं लिख पाए थोड़ा वीडियो पीछे करके लिखो, नहीं लिख पाए पीछे करके लिखो। अब लिखो रेखा एम एन पर, भाई रेखा एक्स वाई पर सब हो गया, अब यम एन पर, यम और एन ले लो सीधी सीधी रेखा, तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो कोण कौन सा भाई, एक्स और ये ओ और यम, ये कोण और ये कोण बना है ना,
भाई ये रेखा लोगे तो इसके इधर ये बना है, दो कोण बने हैं, तो ये 54° प्लस कोण सी इक्वल 180° होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण सी है, ये 54 है, दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा। 180 क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म मैंने इसीलिए पढ़ाया था, समझ गए? तो एक एक पॉइंट लिखते चलो, मैं ज़्यादा आगे नहीं भागूंगा। तो सी बराबर करोगे बच्चा, 180 से 54 घटाओगे, आपको पता है घटाना, सब जानते हो, 126° आएगा। ये क्या हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप निसंकोच पूछो, ये 26° इसका मान आ गया, 126। तो इस तरह से आपका ये सवाल खत्म हो गया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर आप तो तीन सवाल तक आपने कर लिया है, पहला दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा आपके लिए होमवर्क था, उसको ट्राई करना फिर बताना। चौथा सवाल है, आकृति 6.16 में यदि एक्स प्लस वाई इक्वल वाई प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। भैया कह रहा कि आकृति जो दी गई है, ये फिगर, इसमें कह रहा है कि एक्स प्लस वाई, यानी ये कोण एक्स और ये कोण वाई, दोनों को जोड़ने के बाद में जो आता है वो वाई प्लस जेड के बराबर आता है, सॉरी डब्लू प्लस जेड के बराबर आता है। तो कह रहा कि सिद्ध करो ए ओ बी एक रेखा है, मतलब इसको एक रेखा सिद्ध करना, जहाँ मैं हाथ रखा हूँ ऐसे एक रेखा है, लेकिन इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। चलो बहुत आसान है, वेरी इजी है। क्लास को एंड तक देखना, बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ, जैसे प्रियंका जुड़ चुकी हैं, आकृति और ध्रुव, उजाला और कौन कौन है भाई, प्रियांशु, तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना, जाना नहीं कहीं। देखो गिवन मतलब दिया है, सबसे पहले हमें ये चीज़ तो दिया है, ठीक है, हम सभी जानते हैं, दिया मैंने लिख लिया। दूसरा नंबर आप एक बात यहाँ पे और देखो, अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें, चारों कोणों को अगर हम जोड़ दें, तो हमारा ये कुछ मिला के स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, पूरा पूरा गोला ना, ऐसे बन जाएगा ना। यानी हम कोण एक्स प्लस वाई धन ये डब्लू प्लस जेड सब जोड़ के 360 लिख सकते हैं। भाई 360 क्यों होता है? क्योंकि एक संपूर्ण कोण बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल होगा, और कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसे हम कर सकते हैं, ये इसका परिमेय है त्रिभुज का, एक प्रकार से आप बोलें तो कि किसी भी चतुर्भुज अगर बोले यहाँ पे, तो फिलहाल चतुर्भुज तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इस तरह के कोण कहीं बन रहे हैं, जैसे ऐसे मान लो बन रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर हम चारों कोण की बात करें, चारों तरफ जो मैंने घुमा दिया है चारों तरफ, तो इनका मान कितना होगा? 360 होगा, 360 से कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसी बेस पर अगर हम चलें, तो हमें पता है कि W प्लस जेड जो है वो X प्लस वाई के बराबर है, तो बच्चा हम ये X प्लस वाई ऐसे लिख दें, और W प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? X प्लस वाई लिख सकते हैं ना, ऊपर से देखो बोलो लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, लिख सकते हैं ना भैया। हाँ अब इनको दोनों जोड़ लो, तो X X जुड़ेगा 2X, Y Y जुड़ेगा तो 2Y इक्वल 360। फाइनल में आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, X प्लस वाई बराबर 360। आपको यहाँ से एक बात पता चल जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा भैया आपका, नीचे देखो लिख रहा है ना, x प्लस वाई इक्वल 360/2, तो यहाँ पे एक मान आएगा x प्लस वाई इक्वल 180°। कितना होगा? 180° ना, हो गया ना, समझ में आई बात? इसे फट से लिख लो, उसके बाद हम आगे इसमें स्पष्टीकरण लिखाते हैं। ध्यान से देखो, पूरा एंड तक क्लास देखना, बिल्कुल बीच में टेंशन मत लेना, कहीं मत जाना ना, स्किप करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कहने वाली बात नहीं है कि मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट ले लो तभी लोगे, ठीक है? तो बच्चा चलो आगे देखो, आगे देखो क्या कहता है, कोण एक्स धन कोण वाई इक्वल क्या हो रहा है? 180° हो रहा है। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, बना रहे ना, और रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर ही बनता है। अब नीचे लिखो, नीचे लिखो, चूंकि कोण एक्स और कोण वाई एक रैखिक युग्म बना रहा है, कोण एक्स और कोण वाई एक रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बना रहा है, लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, कोण एक्स और कोण वाई एक रैखिक युग्म बना रहा है, अगली लाइन में लिखो, नीचे लिखो, चूंकि रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर बनता है, रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पे बनता है। देखो बच्चा, ये कोण वाई और ये एक्स, ये दोनों मिला करके क्या कर रहे हैं भैया? ये दोनों मिला करके ये और ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, और चूंकि रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पे बनता है,
यानी सिद्ध हो गया कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है, लिख लो। चूंकि ए कोण एक्स, चूंकि कोण एक्स और कोण वाई एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, और एक लीनियर पेयर एक सीधी रेखा पर ही बनता है, अतः सिद्ध होता है कि ए ओ बी एक रेखा है। नोट कर लो जल्दी से, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हमें निसंकोच कमेंट करके बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के आपको बड़े बड़े वीडियो मिलें एक एक घंटा दो दो घंटा की, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें वीडियो। और चूंकि 6.1 में सिर्फ 6 सवाल हैं टोटल, जिसमें लगभग 4 हो चुके हैं, पाँचवा छठवा बचा है। चलो पाँचवा सवाल है ये, एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th में कह रहा कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, तो कह रहा कि किरण ओ आर और किरण पी क्यू पर लंब है। एक बार फिर से देखो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ये आकृति 6.17 का मतलब, ये नीचे मैंने चित्र बनाया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी फिगर को देख करके अगर आप समझेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसमें कह रहा पी ओ क्यू एक रेखा है। अब देखो पी ओ क्यू कहाँ है, पी ओ और क्यू ये एक रेखा है, ये आपको भी दिख रहा है कि रेखा है, सीधा सीधा है, एक रेखा है। इसके अलावा इसमें कुछ किरण है, कौन कौन सी हैं? देखो किरण ओ आर और रेखा पी क्यू पर लंब है। ये यार किरण ओ आर इस पर लंब है, लंब का मतलब मैंने बताया था ना, जैसे अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को जाकर प्रतिच्छेदित करती हैं अगर, तो इस तरह से क्या होती हैं, लंब होती हैं, ये लंब है। अभी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा किरणों ओ पी और ओ आर के बीच, ओ पी कहाँ है, ओ पी और ओ आर के बीच में, यानी ये और ये इसके बीच में कह रहा है कि एक अन्य किरण है जिसका नाम ओ एस है। ये देखो दिख रहा ओ एस है, ये तो अभी सवाल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो यहाँ पे कह रहा है वो इसमें है, इतना है ना। आगे फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, यानी आप प्रूव कीजिए अगर ये इतनी कंडीशन है तो क्या क्या सिद्ध करना है, कि कोण आर ओ एस, यानी आर ओ एस, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये कोण जो बीच में छोटा सा बना दिख रहा है, ये 1/2 और क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इतना हमें प्रूव करना है। पी ओ एस मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्यू ओ एस पहले, क्यू ओ एस फिर पी ओ एस, यानी इन दोनों को घटाने के बाद क्या हो जाए, हाफ हो जाए उसका। चलिए इसमें जो कुछ दिया है पहले हम उसी के आधार पे कुछ थोड़ा बहुत आगे करते हैं। हमें इसमें एक चीज़ दिया है बड़ा ही जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है कि कोण पी ओ आर बराबर 90 अंश है, कोण पी ओ आर 90 अंश है। भाई ये सीधा सीधा देखो दिख रहा है 90 अंश है, इधर भी 90 इधर भी 90, चूंकि ये कितने का है, 180 का पूरा बना रहा है कोण ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि पी ओ आर 90 है और क्यू ओ आर भी 90 है। भाई इधर साइड भी देख लो, क्यू ओ आर ये भी 90 है और पी ओ आर ये भी 90 है, दोनों 90-90 हैं। आगे देखो क्या कहता है, वो भी चीज़ ध्यान दो आप। अब इसमें अगला स्टेप देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो पी ओ आर, जो पी ओ आर है इसके बीच में एक और किरण है ओ एस, वो आपको दिख रही है। लेकिन अगर हमें सीधा सीधा यहाँ पर पी ओ आर लिखना है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई। देखो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, हम इसे लिख सकते हैं कोण पी ओ आर इक्वल कोण पी ओ एस प्लस आर ओ एस, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, इसको लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बराबर कितना है, 90 अंश है, पहले से दिया था तो हम इसको 90 अंश लिख देंगे, इतना तो आप सभी को लगभग पूरा समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये भी ठीक है, फिलहाल अगर आप चाहते तो यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते थे, इसके जगह पे पूरा पूरा इसको लिख दे, मतलब चेंज करके, ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा चूंकि थोड़ा विस्तार से है। इतना हो गया, इतना करने के बाद आप इसमें से आर ओ एस का मान निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि हमें जो फाइनल में वैल्यू लाना है उस पर नज़र होनी चाहिए, हमें लास्ट में आर ओ एफ लाना है, बाकी और किसी को यहाँ पर नहीं लाना है, सब ख़त्म कर देना है। तो यहाँ से यानी ये इतना देखो, अब यहाँ से अगर हम आर ओ एफ लिखेंगे, आर ओ एस, तो सिंपल सा है ये 90 उधर वैसे ही रहेगा, माइनस ये पी ओ एस इसमें से घट जाएगा, क्या होगा ये,
ये पी ओ एस घट जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, समीकरण नंबर एक हो जाएगा। ये हो गया आपका जो दो कोण 90 बन रहे थे उसमें से पहले के मतलब सहायता से हमने एक इक्वेशन बनाया, इसे आप नोट कर लीजिए, चूंकि यहाँ पे जगह कम है तो हम इसको मिटाएंगे। उसके बाद अगला जो उधर हाफ में 90 का कोण बन रहा है उसको लेकर के हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमारा जो सिद्ध करना वो आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है लेकिन देखने में थोड़ा सा ये कोण ओण थोड़ा कष्ट मतलब अजीब सा लगता है जिन लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इनके पहले के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एंगल क्यू ओ आर क्या है, क्यू ओ आर यानी हम इस चित्र में चलते हैं क्यू ओ आर ये लेते हैं पूरा पूरा। अब इसमें आपको क्या नज़र आएगा, क्यू ओ आर में आपको पता ये भी 90 है, मैंने इसको भी 90 लिख दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको पता है कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। दो पार्ट में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखो क्यू ओ आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। अभी जो हमारा एक इक्वेशन आया था उसमें आपने क्या देखा था, अभी एक जो समीकरण आया था उसमें क्या देखा था आपने, क्यू ओ आर की जगह पे हम इसको दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हमें जोड़ के नहीं मिलेगा क्योंकि इधर तो है एक रेखा एक्स्ट्रा थे, इसमें एक किरण थी लेकिन इधर शायद कोई किरण नहीं है। तो इधर अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं, आप ये ले लो क्यू ओ एस, क्यू ओ एस अगर इसमें से आप घटाओगे आर ओ एस तो आपका ये आ जाएगा कौन सा, क्यू ओ आर। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस इक्वल 90। ये हो गई कहानी आपकी सेम टू सेम जैसे पहले क्वेश्चन में हुई थी। यहाँ से भैया लोग आप क्या करोगे, आर ओ एस का मान निकाल लो। तो जब आप यहाँ से आर ओ एस निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, आर ओ एस बराबर निकालोगे, ये माइनस में ही रहेगा तो ये इधर साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 और माइनस क्यू ओ एस। मैं एकदम डिटेल से आपको बता दे रहा हूँ पूरा विस्तार से, इसमें कुछ भी मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीपल कर दो चूंकि शुरू में माइनस लगा है, तो आपका फाइनल में हो जाएगा कोण आर ओ एस इक्वल हो जाएगा, ये भैया ये माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस होगा पहले लिखोगे और ये माइनस का 90 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर दो हो गया। समीकरण एक और दो को जोड़ दो, उत्तर आपके सामने हो जाएगा। नीचे एक लाइन और लिखो, समीकरण वन प्लस समीकरण टू। और एक बात और ध्यान देना, हाँ वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको इक्वेशन फर्स्ट दिख जाएगा स्क्रीन पे, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं कि हम दोनों समीकरण एक साथ दिखाएं आपको, तो इस वजह से मैंने दूसरा मिटा दिया है, इतना लिख लिया। चलिए अब समीकरण एक प्लस समीकरण दो करने के बाद में आगे देखते हैं, दोनों को जोड़ के दिखाते हैं आपको। अब देखिए दोनों इक्वेशन मैंने एक साथ लिख दिया है, ये पहला समीकरण है ये दूसरा समीकरण है। ये चूंकि मैंने मिटा दिया था इसलिए मैं दोनों को ला के दिखाया हूँ आपको। कुछ बच्चे कहते हैं बहुत जल्दी मिटा देते हो, तो वीडियो को रोक लिया करो आप लोग और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कौन सा बटन मैंने बताया था ना, विंडो और जो ऐप 12 के दाहिनी साइड बटन होती है जिस पे PRTCSCR ऐसे कुछ होता है उसको दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आर ओ एस प्लस आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल, इनको सीधा सीधा जोड़ लो जैसे भी है, 90 माइनस पी ओ एस प्लस ये क्यू ओ एस और माइनस का 90 है तो इसको ऐसे लिख दो। देखो भैया अब बड़ा ही सिंपल सा है, ये 90 से 90 कट जाएगा चूंकि एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 और एंगल आर ओ एस, भाई दो बार हो जाएगा चूंकि दो बार एक समान कोण दिया गया है तो दो आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा आगे देखते जाओ, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है माइनस का पी ओ एस और प्लस का क्यू ओ एस, दोनों में कोण का चिन्ह लगा देना। आगे देखो चूंकि यहाँ पे माइनस बचा है तो हम माइनस वाला पद बाद में लिखते हैं प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं आर ओ एस इक्वल कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हम लिख सकते हैं। आप सभी जानते हो इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं किया है, सिर्फ कैलकुलेशन किया है जो कि आप जानते हो, 9th में पहुंच गए हो। अगर आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं आता कैसे आ गया तो आप शून्य से शिखर तक वाली मैथ देखिए जिसमें एकदम बेसिक से सिखाया जाता है। अभी हम नंबर दिखाएंगे आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो इसको मैंने डिटेल में लिख लिया। अब यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल आर ओ एस निकालना है,
तो देखो भैया, अगर ये दो इधर ले जाओगे ना तो भाग में हो जाएगा, यानी कोण QOS माइनस कोण POS नीचे दो हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। हम इसमें एक काम कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ROS इक्वल हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा कोण QOS एंड कोण POS। नीचे देखो आपका वही आ गया जो आपको सिद्ध करना था। अब नीचे लिख दो आप इति सिद्धम, या फिर हिंदी में आप लोग ऐसे लिख रहे हो ऐसे लिखो अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, नीचे लिख देना अतः सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना था ना। तो कितना आसान है, आप इसे कर लोगे। हाँ, इसमें अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, जैसे कि रैखिक युग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, रैखिक युग्म को इंग्लिश में लीनियर पेयर बोलते हैं आप जानते हो, तो और कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ज्योमेट्री का, तब आप कर पाओगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपको फंडामेंटल इसमें जो भी चीज़ें बताई गई, अगर वो आपको आएगा तब आप कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने इस यहाँ पे दो कोण जोड़ करके तो तीसरा कोण लाया था, ये सब भी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कैसे होता है। जैसे मैंने बताया था एक लाइन है बड़ी सी, अगर उसको बीच में से दो पार्ट में तोड़ दें तो दोनों को एक में जोड़ेंगे तो फिर से वो लाइन बन जाएगी। तो ये सब एकदम छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, आप उनको देखिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो PVR स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।